चलते भारत की शान। दो दिन असम और मेघालय के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान, वहीं छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कई जगह बरसेंगे बादल। आज दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं, मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान रहा 41.8 डिग्री। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे मौसम की ताजा स्थिति के बारे में, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश और कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब होगी बरसात। दो दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में आज और असम मेघालय में दो दिन कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। गांगे पश्चिम बंगाल में दो दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। ओडिशा में कल और बिहार में दो दिन कहीं कहीं काफी जोरदार बारिश के आसार हैं। कल ओडिशा और दो दिन बिहार में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और कल उत्तरी छत्तीसगढ़ में हो सकती है खूब बरसात। और आइए विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जानते हैं कि आने वाले दो दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। दो दिन हिमाचल प्रदेश में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं उत्तराखंड में दो दिन कुछ जगह बरसात के आसार हैं। तो दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश नहीं होगी। दो दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक इलाकों में बादल बरसेंगे। साथ ही पूर्वी राजस्थान में दो दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। दो दिन पश्चिमी राजस्थान में बरसात की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में दो दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर स्थानों पर बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में दो दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। दो दिन असम और मेघालय में ज्यादातर इलाकों में बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दो दिन अधिकतर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में दो दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन कई जगह बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में दो दिन कुछ हिस्सों में बरसात होगी। तटीय उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अनेक इलाकों में भी दो दिन बारिश होगी।
केरल और लक्षद्वीप में कई जगह बरसात का अनुमान है। अनुमान निकोबार में कुछ स्थानों पर दो दिन बारिश की संभावना है। तो अभी आपने जाना आने वाले दो दिनों में देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना है, और अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां हुई बारिश। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डाले तो हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कई जगह बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर बरसात हुई। ओडिशा में कहीं कहीं और बिहार के कई हिस्सों में बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही विदर्भ और कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में और सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं पानी बरसा। तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश हुई। तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। साथ ही केरल और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर बादल बरसे। आइए अब जान लेते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत बिहार के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलोदे में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ब्रोकली की खेती के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा, देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार, देखिए प्रकृति की ओर।
गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। हिमाचल प्रदेश के किसानों को इस वक्त किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल करनी चाहिए और इसके साथ ही वहां पर इस वक्त कौन कौन सी फसलों की बुआई और रोपाई के लिए अच्छा समय चल रहा है, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश के किसान सितंबर के इस आखिरी हफ्ते में स्ट्रॉबेरी की रुपाई की तैयारी करें। नए उगे हुए छोटे पौधों की देखभाल बहुत जरूरी है क्योंकि इनके अंकुर टूटने का खतरा रहता है। नए पौधों में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। किसी तरह के कीट और रोग के दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। संतरे, नींबू, चकोतरा जैसे नींबू वंशी फलों के नए पौधों की जड़ों में घास को साफ करते रहें ताकि पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। सेब की तुड़ाई के बाद बागों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घास और झाड़ियां उखाड़कर बाग के किसी कोने में इकट्ठा करके नष्ट कर दें। बाग की साफ सफाई और निराई गुड़ाई का काम साफ मौसम में करना उचित होगा। मध्य पहाड़ी इलाकों में सभी मौसम में चलने वाले फलों के पौधों की रुपाई के लिए ये समय अनुकूल है। आम, लीची और नींबू वर्गीय पौधों को जरूरत के हिसाब से उर्वरक दें। हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में इस समय धान की फसल में कीट और रोग लगने का खतरा है। अगर धान की बालियों पर भूरे रंग के पाउडर जैसा कुछ दिखाई दे तो दवा का छिड़काव करें। धान की फसल में भूरे रंग का मच्छर नुमा कीटों का भी प्रकोप हो सकता है। ये कीट धान के तने और पत्तियों का रस चूसने के साथ साथ बालियों को भी खोखला कर देते हैं। हिमाचल के किसान अगेती सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही निचले इलाकों में अगेती गेहूं की बुआई के लिए भी खेत तैयार करें। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रोकली की खेती के बारे में। जी हाँ, ब्रोकली जिसे भारत में हरी गोभी भी कहा जाता है क्योंकि जाहिर तौर पर इस फूल गोभी का रंग हरा होता है। वहीं इसके साथ ही ये पौष्टिक गुणों से भी भरपूर होता है, इसलिए इसकी मांग भी इन दिनों काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। ऐसे में अगर किसान व्यावसायिक तौर पर ब्रोकली की खेती करे तो वह अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं ब्रोकली की खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रोकली फूलगोभी की एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहां सफेद होता है, वहीं ब्रोकली के फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूलगोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूलगोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूलगोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनमें से भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। ब्रोकली की पछेती खेती के लिए सितंबर अक्टूबर का समय एकदम अनुकूल है, यानी इस समय किसान खेतों में ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को पूरी तरह से निकाल कर साफ कर लें। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो एक हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। फसलों को डैम्पिंग ऑफ बीमारी से बचाने के लिए थीरम की 2 ग्राम मात्रा से 1 किलो बीज को उपचारित करें। ये दवा पाउडर के रूप में होती है। पाउडर को बीजों पर छिड़क दें और हाथों से अच्छी तरह मिलाएं। इससे दवा बीजों पर अच्छी तरह चिपक जाएगी। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसेट दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए
थाया मेथॉक्साम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों से बचाव के लिए डेल्टा मेथ्रीन 2.5 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर हर 10-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए किसान भोकली की उन्नत किस्म पूसा के TS1 लगा सकते हैं। इस किस्म को लगाने से 1 हेक्टेयर रकबे से किसान 160 क्विंटल ब्रोकली ले सकता है। ब्रोकली की इस किस्म की खेती उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में की जा सकती है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई वाले और गहरे रंग के होते हैं। ब्रोकली की ये किस्म बुआई के 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा पूसा ब्रोकली KT1 किस्म पूरे भारत के लिए उपयुक्त है और इसकी उपज 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि मौसम के अनुसार किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त करने चाहिए। जम्मू कश्मीर में गोभी की नर्सरी तैयार करने का काम करें। जम्मू इलाके में तुरई की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर की घाटी में तैयार धान और मक्का की कटाई करते रहें। यहाँ के किसान मूली, शलजम और गाजर की बुआई पूरी करें। घाटी इलाके के किसान अगेती सब्जियों और प्याज की नर्सरी तैयार करें। उत्तराखंड के किसान रागी की तैयार फसल समय पर काट लें। उत्तराखंड में आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। उत्तराखंड में इन दिनों लहसुन की बुआई का काम भी कर सकते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और कृषि से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। मध्य प्रदेश में अगेती सोयाबीन की कटाई का काम करें। कपास की फसल में साफ मौसम में निराई गुड़ाई के बाद उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में अगेती मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बैंगन, टमाटर, गोभी, प्याज आदि सब्जियों में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। बुंदेलखंड में सब्जियों और दूसरी फसलों में निराई गुड़ाई करें। बुंदेलखंड में 3 दिन बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए खेतों और बगीचों में सिंचाई करें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर।
छत्तीसगढ़ में दो दिन और गुजरात में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में आज और मध्य महाराष्ट्र में दो दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे। आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोंकण गोवा में आज और मराठवाड़ा में कल कहीं कहीं पानी बरसेगा। दो दिन विदर्भ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।